का मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से आप वन हैंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको वन हैंड मोड का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वन हैंड मोड को यूज़ करेंगे, ये आपको इसमें बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग पर, क्लिक करेंगे आप तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको एडवांस फीचर्स में आपको ये दिया हुआ है, एडवांस फीचर्स में जाएंगे आप, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे आप तभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको वन हैंड मोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे आप वन हैंड मोड। जैसे मान लीजिए ये इनेबल है कर देंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने ये बंद हो जाएगा, देखेंगे कहीं भी काम कर बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे आप इनेबल कर देंगे तो सभी ऑप्शन जो है काम करेगा अच्छे से। पर जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे, आपको यहाँ पे कुछ ये बता रहे हैं इस तरीके से, इसमें बताया हुआ है कि आपको इस पर क्लिक कर देंगे गेस्चर्स पर, तो देखेंगे फ्रेंड्स इस पर मैंने क्लिक कर दी। आप चाहे तो गेस्चर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेस्चर्स का। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन को जो होम बटन है आपको पकड़ना होगा, इस तरीके से क्लिक करना है आपको और से नीचे की ओर स्लाइड करना है। इसमें आपको दिखा रहा है, आप इस तरीके से होम बटन को खींचेंगे तो ये वन हैंड मोड आपके सामने इस तरीके से आधा स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता रही हूँ, तो इस तरीके से अभी आपको सभी लाइव करके दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए अब इसको हम किसको बैक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स जो होम बटन जैसे आपको बताया वैसे में आपको वैसा ही करना है। आपको ये होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्लाइड करना है। वन हैंड मोड फुल स्क्रीन ना सही, आप हाफ स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फिर से देखेंगे फ्रेंड्स कुछ भी आप ओपन करेंगे ना, इस पर क्लिक कर देंगे बटन पर, तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे आप। अगर फिर से आपको होम स्क्रीन फुल स्क्रीन करना है तो सीधा आप, तो कहने का मतलब है वन हैंड से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको टू फिंगर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, दो हाथ का इस्तेमाल करने की, कोई ज़रूरी आप काम कर रहे हैं तो आपको छोटा मोटा वन हैंड से ही आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं छोटा स्क्रीन करके इस तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा स्क्रीन होता है तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ से टच कर इधर इधर कुछ भी ऐप ओपन करने के लिए। तो आप वन हैंड से बड़ी आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और तो फ्रेंड्स अगर उसको डिसेबल करना है तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे आप। फिर जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो उंगली है आप पहुँच नहीं पा रहा है, तो इस पर क्लिक कर देंगे आप, इस पर कस्टमाइज कर देंगे आगे पीछे इस तरह से हो जाएगा, बस इस पर क्लिक करेंगे आप और फिर आपको इसको डिसेबल कर देंगे आप। डिसेबल हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, हो चुका है। अब इसको हटा देंगे तो ये फुल स्क्रीन हो चुका है, सेम वही है। फिर से आपको इनेबल करना है तो वही करना है, आपको वहीं पे जाके इनेबल कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप वन हैंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।